हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंक और संख्या। अंक यानी कि जिसे हम डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, और संख्या यानी कि जिसको हम नंबर कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है तो एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि गणित में कुल कितने डिजिट हैं और कुल कितने नंबर हैं, टोटल डिजिट और टोटल नंबर। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अंक। डिजिट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स विच इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके नंबर्स कहलाते हैं। डिजिट आर यूज रिप्रेजेंट नंबर्स यानी कि ऐसे डिजिट, ऐसे अंक जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। अंक वे कहलाते हैं जैसे कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो टोटल 10 होते हैं। कितने? 10। टोटल 10 डिजिट होते हैं, और इन डिजिट यानी कि अंकों की सहायता से, डिजिट को ही अंक कहते हैं, हम इंग्लिश में बोलेंगे तो डिजिट, हिंदी में बोलेंगे तो अंक। इन 10 अंकों की सहायता से ही हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 205, 205, तो हमने 205 लिख दिया। 205 में अगर यदि हम देखा जाए तो इसमें ये संख्या तो एक है, लेकिन पूछा जाए इस संख्या में अंक कितने हैं तो टोटल 3 अंक हैं, 2, 0 और 5। तो ये 3 अंकों की हेल्प से, 3 डिजिट की हेल्प से हमने एक संख्या बनाई जिसे हम बोलेंगे 205, 205। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कोई बड़ी संख्या ली 7, 8, 9, 5। अब हम इसमें पूछे ये एक संख्या है या अंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक संख्या है। इसको पढ़ेंगे 7,895। अब इसमें पूछा जाएगा कि टोटल अंक कितने हैं, तो इस संख्या में टोटल 4 अंक हैं, 7, 8, 9 और 5। ऐसे अंक हो गए 5। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 अंक होते हैं। अगर ये पूछा जाए आपसे कि संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसे? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट क्या कहलाता है? संख्या कहलाते हैं। फॉर डिनोटिंग ए नंबर वी यूज ए ग्रुप ऑफ, फॉर डिनोटिंग ए नंबर यानी कि जो नंबर को डिनोट करे उसको यूज करने के लिए, जिस ग्रुप को यूज करते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट, अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। इसको हम न्यूमेरल्स, कहीं कहीं पर न्यूमेरल्स लिखा रहता है, तो याद रखिए न्यूमेरल्स और नंबर एक ही चीज है। नंबर को ही न्यूमेरल्स बोलते हैं, या तो नंबर लिखा होगा या न्यूमेरल्स लिखा होगा, और यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वहां संख्या लिखा होगा। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अब बात करेंगे कि टोटल डिजिट कितने हैं और टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल डिजिट अभी मैंने आपको बताया कि 10 है। कितने? 10। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक, ये आपके लिखे हुए हैं टोटल डिजिट। ये आपके टोटल डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहलाएंगे आपके डिजिट। अब बात करें टोटल नंबर, तो देखिए टोटल नंबर ज्ञात करना संभव नहीं है। आप चाहे जितने निकाल लीजिए। आप जब पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, संघ, महासंघ, पदम तक, आप चाहे जितने पढ़ते जाओ, आप गिनते जाओ, तो नंबर निकलते जाएंगे। अब इन 10 अंकों की हेल्प से आप कितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाएगी, बताइए 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 10। क्या हो जाएगी? 10। 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 10। और आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 99, क्योंकि इससे बड़ी 2 अंकों की और कोई संख्या मिलेगी ही नहीं आपको। इसके बाद आ जाएगा 100, 100 में आ जाएंगे 3 अंक। 3 अंक, संख्या एक यानी कि 100 और अंक कितने? 3, 100, इस तरीके से। अब 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 100, और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 999। अब आपको छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप जितने 9 बढ़ाते जाएंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी।
अब एक 9 और बढ़ा दिया तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इसमें एक 0 और बढ़ा देंगे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1000 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में आपने जाना कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अंक होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक, टोटल अंक होते हैं 10, और संख्या अंकों के समूह को यानी डिजिट के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। संख्या बनाने के लिए हमें 0 से लेकर 9 तक की अंक की हेल्प लेनी पड़ती है, इन्हीं अंक की हेल्प से ही हम संख्या बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बगल में आपको घंटी वाला बटन भी मिलेगा तो उस पर भी क्लिक कर दें तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो सब्सक्राइब करें फिर घंटी वाला बटन दबाएं, उसमें ऑल पे क्लिक कर दें तो आपको आने वाले नए वीडियो डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।